आज हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ अग्नि एंड आर्म का पार्ट टू। पहले पढ़ लिया हमने, पार्ट वन कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट टू। मैं हूँ डॉक्टर श्याम बेलगोरैया, असिस्टेंट प्रोफेसर रोग निदान डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम देखेंगे पार्ट टू में अग्नि के टाइप्स और क्या कौन कौन सी अग्नि किस प्रकार से बॉडी के अंदर कार्य करती है। टाइप्स ऑफ अग्नि टोटल 13 होती हैं, जिनमें भूत अग्नि 5 टाइप्स होती हैं, काया अग्नि या जठराग्नि जो कि एक ही होती है, सबसे प्रधान अग्नि होती है, और धातु अग्नि 7 प्रकार की रहती है। सबसे पहले भूत अग्नि जो कि 5 प्रकार की होती हैं, इनका वर्णन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय के 13 और 14वें श्लोक में किया है। वह भूताग्निज्म ब्रिंग अबाउट पार्ट ऑफ द फाइव रेस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स इन द फूड इंटीग्रेट एंड आचार्य चक्रपाणी दिस एक्शन ऑफ भूताग्नि ऑन द रेस्पेक्टिव आहार गुण रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन। अब नेक्स्ट देखते हैं धात्वाग्नि जो कि 7 टाइप्स की होती हैं, दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू दर सेट 7 धातुओं। आचार्य भागवत ने अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में धात्वाग्नि का वर्णन किया है। धात्वाग्नि आर नथिंग बट स्मॉल एंड स्कैटर्ड पोर्शन ऑफ जठराग्नि इन धातु। दीज अग्निज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्षय एंड उपचय ऑफ धातु। अब देखते हैं प्रधान अग्नि जठराग्नि, जैसे कायाग्नि भी कहते हैं, इट इज द चीफ अग्नि इन द बॉडी, त्रिविध अग्निबल। चरक सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में 3 प्रकार के अग्निबल बताए गए हैं। प्रबल अग्निबल उत्तम अग्नि होती है, जिसमें मध्यम अग्निबल में मध्यम अग्नि बताई गई है, और अवर अग्निबल में अल्प अग्नि होती है। अब इसके अग्नि का स्थान देखते हैं, पक्व आमाशय मध्य, पक्वाशय और आमाशय के मध्य में अग्नि का स्थान बताया गया है। अब इसके फंक्शन, प्रधानतया ऑफ जठराग्नि एवं सर्वाग्नि, चरक चक्र 15/39 श्लोक। जठराग्नि इज सुप्रीम एवं ऑल द अदर टाइप्स ऑफ अग्नि बिकॉज ऑल द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ अग्नि आर डिपेंडेंट ऑन इट, इंक्लूडिंग द वृद्धि एंड क्षय ऑफ भूताग्नि एंड धात्वाग्नि आर डिपेंडेंट ऑन इट। पलवेशी अग्नि के 4 प्रकार बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार होते हैं, समाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और विषमाग्नि। अब देखते हैं सबसे पहले समाग्नि। आचार्य चरक ने विमान स्थान 6 अध्याय में इसका वर्णन किया है। ड्यू टू इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द थ्री दोसाज, दोसाज आर इन बैलेंस कंडीशन, द अग्नि एक्वर्स इन समावस्था। दिस बैलेंस टाइप्स ऑफ अग्नि मेंटेन द नॉर्मलसी एज लॉन्ग एज देयर इज नो रेगुलेटरीज, बट इट गेट्स इम्पेयर्ड बाई माइनर इरेगुलरिटीज। अब नेक्स्ट देखते हैं विषमाग्नि। विषमाग्नि किस प्रकार से रोगों को उत्पन्न करती है, कौन कौन से रोगों को उत्पन्न करेगी। विषमाग्नि इन्फ्लुएंस प्रीमिडोमिनेंटली बाई वात दोष, इसमें वात दोष की प्रधानता बताई गई है। द फंक्शन ऑफ अग्नि मे बी आइदर नॉर्मल और एबनॉर्मल एट टाइम्स। विषमाग्नि से कौन कौन सी डिजीजें होती हैं जो इस प्रकार हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं, आदमान, शूल, उदावर्त, अतिसार, आंत्रपूजन, पिलवायिका इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं तीक्ष्णाग्नि इन्फ्लुएंस प्रोमिनेंटली बाई पित्त दोष, इसमें पित्त दोष की प्रधानता बताई गई है। कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ इरेगुलरिटीज इन पित्त प्रकृति पर्सन, वी एग्रीटेड पित्त अफेक्ट्स द साइट ऑफ अग्नि, इट वुड रिजल्ट इन तीक्ष्णाग्नि। आचार्य सुश्रुत ने तीक्ष्णाग्नि में देखते हैं क्या क्या डिजीजें बताई हैं। आचार्य सुश्रुत स्टेट्स दैट इट प्रोड्यूस गलतालु, शोष, दाह, संताप, बॉडी में दाह संताप इत्यादि होगी।
when it is excessively increased, the condition is called atyagni. Next देखते हैं मंदाग्नि. Influenced prominently by कब, इसमें कब दोष की प्रधानता रहती है. That which gets impaired in its functioning even with a small amount of regular food and has opposite features to that of तीक्ष्णाग्नि. तीक्ष्णाग्नि के अपोजिट रहती है मंदाग्नि. Takes long time to digest even small amount of food and it started to produce odar shiro gaurav ka swas ang gaurav ta. Isse mandagni se acharya susmit ne vyadhiyon ko utpann hona bataya hai. Sir odar mein bharipan ka swas ityadi rog ho jate hain. Is prakar se yahan par agniyon ke prakar aur unka varnan bataya gaya hai part 2 mein. Ab next part 3 next session mein dekhenge. Thank you.